गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकांक्षा करणवाल एंड आई विल टीच यू GK ऑफ क्लास सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, टूडे आई विल टीच यू लेसन नंबर 1 to 4. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो योर बुक. दिस इज योर बुक ऑफ GK. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट दिस बुक. Now we will start lesson number 1. What is the name of this chapter? Chapter number 1, Good Habits. Put a tick right for the good habits and cross for the things we should not do. जो अच्छी आदतें हैं उनके लिए हमें राइट लगाना है और जो गंदी आदतें हैं उनके लिए हमें रॉन्ग लगाना है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस. इन पिक्चर नंबर 1, एज यू कैन सी, रीडिंग वाइल लाइंग डाउन ऑन द बेड. रीडिंग वाइल लाइंग डाउन ऑन द बेड. लेट के पढ़ाई करना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? सो लेट के पढ़ाई करना बुरी आदत है. सो वी विल पुट हियर रॉन्ग. ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर ऑफ अ बॉय, ही इज टेकिंग बाथ. टू टेक बाथ रेगुलरली इज अ गुड हैबिट. सो वी विल पुट हियर राइट. देन नंबर 3, एंटर द हाउस विद डर्टी शूज. डर्टी शूज़ लेके घर में आना गंदी बात होती है. सो इट इज़ रॉन्ग हैबिट. सो पुट हियर रॉन्ग. ओके, नाउ वी विल कम हियर ऑन द 4th पिक्चर. टू कॉम एंड ऑयल हेयर प्रॉपरली. अपने बालों को कंघा करना और तेल लगाना अच्छे से. It is good habit. So put here right. Then number 5th, eat while lying down on bed. Bed पर लेट कर खाना खाना या कुछ भी खाना, this is bad habit. So put here wrong. Then number 6, to pack school bag the night before. अपने स्कूल का बैग लगाना रात को सुबह जब हमें सुबह स्कूल जाना होता है तो हमें पहले ही अपना बैग अरेंज कर लेना चाहिए. सो दिस इज़ गुड हैबिट. सो पुट हियर राइट. देन नेक्स्ट पिक्चर 7th, एज यू कैन सी, वियर क्लीन क्लोथ्स. अच्छे कपड़े पहनना, साफ कपड़े पहनना, इट इज़ अ गुड हैबिट. सो पुट हियर राइट. Then number 8, reading the book at least a foot away from the eyes. अपनी आँखों से दूर रखकर बुक पढ़ना एक अच्छी आदत होती है. So put it right. Then number 9, exercise daily early in the morning. रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है. So this is good habit. So put here right. So students, I think you understood this chapter, chapter number 1. Okay, so now we will start chapter number 2. As you can see, it is also good habits, but these are good food habits. As you can see here, what is the name of this chapter? Good food habits. Here you can see, put a tick for the good food habits and cross the things that we should avoid. Okay, तो जो चीज़ें हमें avoid करनी चाहिए उनके लिए हमें cross लगाना है और जो good habits हैं, food good habits हैं, उनके लिए हमें right लगाना है. So number 1 is, first picture you can see of a girl here. To wash fruits before eating. She is washing fruits before
ईटिंग, खाने से पहले फ्रूट्स को धोना गुड हैबिट है, गुड फूड हैबिट. सो पुट हियर, हियर इज अ सर्कल यू कैन पुट राइट. ओके, देन सेकेंड पिक्चर ऑफ अ बॉय, ही इज स्पिलिंग फूड वाइल ईटिंग. स्पिलिंग फूड वाइल ईटिंग, वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्पिलिंग फूड वाइल ईटिंग? खाना गिराना, खाते हुए इधर उधर खाना गिराना, ये अच्छी आदत नहीं होती है. सो दिस इज अ रॉन्ग हैबिट. सो दिस इज रॉन्ग, पुट हियर रॉन्ग. नंबर थ्री, टू ईट अनहाइजीनिक फूड फ्रॉम द वेंडर्स. जो बाहर रोड पे खाना बेचते हैं, बाहर जो जो भी चीज़ें वो बेचते हैं वो अनहाइजीनिक होता है. वेंडर्स यानी जो बाहर जो बेचते हैं खाना, उन्हें हम वेंडर्स बेचते हैं बोलते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. सो राइट डाउन रॉन्ग, बिकॉज दिस इज अनहाइजीनिक फूड फ्रॉम द वेंडर्स. सो नाउ नेक्स्ट पिक्चर ऑफ अ गर्ल, वॉट शी इज डूइंग? टू ईट जंक फूड, शी इज ईटिंग जंक फूड. ओके, जंक फूड खाना जैसे चिप्स, कुरकुरा, दीज आर द जंक फूड्स लाइक नूडल्स, सो मैनी आर देयर. सो डोंट ईट दैट जंक फूड्स बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो यू पुट हियर रॉन्ग. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, टू ड्रिंक मिल्क डेली. दूध पीना रोज अच्छी बात होती है. सो दिस इज अ गुड फूड हैबिट. सो राइट हियर पुट राइट. ओके, देन नंबर सिक्स, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर टॉकिंग व्हाइल ईटिंग. खाना खाते टाइम बातें कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हैबिट. खाना खाते टाइम हमें बातें नहीं करनी चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, हेयर यू कैन सी, टू टेक मोर फूड देन रिक्वायर्ड. अपने पेट से ज़्यादा खाना लेना, मीन्स जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाना लेना और फिर उसको छोड़ देना, दिस इज़ रॉन्ग हैबिट. जितनी आपको भूख लग रही है आप उतना ही फूड लीजिए, दिस इज़ रॉन्ग हैबिट. सो पुट हियर रॉन्ग. ओके, नंबर एट, टू लिक योर फिंगर्स वाइल ईटिंग फूड. खाना खाते टाइम अपनी उंगलियां चाटना, दिस इज़ रॉन्ग हैबिट. सो बैड हैबिट है ना, सो पुट हियर रॉन्ग. ओके, देन नंबर नाइन, वॉट शी इज डूइंग? टू वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए. शी इज वॉशिंग हर हैंड्स बिफोर ईटिंग. सो दिस इज गुड हैबिट. सो पुट हियर गुड राइट. ओके, सो नाउ I think you understood good food habits. Now we will come third, healthy food. All chapters are related to each other. Okay, good food habits and after that healthy food. Healthy food. Given below are some food items. Tick write the healthy diet and cross the unhealthy diet. Beta, yahan pe kuch pictures di hui hain. फूड आइटम्स दिए हुए हैं, खाने की चीज़ें. हमें यहाँ पे बताना है हेल्दी फूड कौन सा है और अनहेल्दी डाइट कौन सी है. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट पिक्चर ऑफ एग, एग्स. सो एग्स हेल्दी डाइट है. सो वी विल पुट हियर राइट. देन आइसक्रीम्स अनहेल्दी, वेजिटेबल्स हेल्दी, चॉकलेट्स अनहेल्दी. यू नो ना, चॉकलेट्स आर अनहेल्दी राइट, एंड वेजिटेबल्स दीज आर गुड, एंड आइसक्रीम्स अनहेल्दी, एग्स हेल्दी. सो पुट हियर. नाउ नेक्स्ट पिक्चर, नूडल्स. Noodles unhealthy, so put wrong. Juice healthy, burger unhealthy, samosas also unhealthy. Now next one, chapati, it is healthy.
मिल्क हेल्दी, फ्रूट्स हेल्दी, पिज्ज़ा अनहेल्दी. सो बेटा दीज आर अनहेल्दी एंड हेल्दी डाइट. ओके, जो हेल्दी डाइट है वो हमें लेनी चाहिए प्रॉपर, पर जो अनहेल्दी डाइट्स हैं वो हम कभी कभी ले लेते हैं वो ठीक है, पर जो कंटिन्यूस लेते हैं वो उससे बीमार पड़ जाते हैं. सो ओके, सो डोंट टेक दीज अनहेल्दी डाइट. नाउ वी विल कम ऑन फोर्थ चैप्टर. नाउ हियर यू कैन सी दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आर नेबरहुड. नेबरहुड पड़ोस, हमारा जो पड़ोस है उसको हम नेबरहुड बोलते हैं. द हाउसेज एंड प्लेसेज नियर एंड अराउंड आर होम मेक अप आर नेबरहुड. जो हमारे हाउसेज और प्लेसेज हैं घर के चारों तरफ, वो हमारा क्या बनाते हैं, पड़ोस बनाते हैं, नेबरहुड बनाते हैं. देयर आर सेवरल यूजफुल प्लेसेज इन आर नेबरहुड. वहाँ पे कुछ सेवरल यूजफुल प्लेसेज होते हैं हमारे पड़ोस में, नेबरहुड में. लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द प्लेसेज. हियर यू कैन सी पिक्चर्स. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. स्टूडेंट्स हियर इज अ हेल्प बॉक्स ऑल्सो, यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. What is the picture? What is this? Here, hospital. Second one, police station. Third one, post office. Fourth, bank. Fifth, market. Sixth, fire station. So students, write these places as you can see in pictures. I think you all understood the chapters, all four chapters. So this is your homework to learn these chapters. Okay. In the next class, I will ask to all. Okay. So till then, take care. Bye-bye.